अब सेवंथ एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी यूजिंग बोहर इक्वेशन। अब भाई एक इसकी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है बोहर एटॉमिक मॉडल की, कि आप इससे जो बोहर सिस्टम्स होते हैं यानी कि जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं उनमें आप जो एक लौता इलेक्ट्रॉन होता है, जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है यानी कि उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप मुझे बताएं कि भाई इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कहाँ से करना पड़ता है हमेशा, अगर आपके पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यानी कि आपके पास भाई क्या बोलते हैं हाइड्रोजन है, या आपके पास हीलियम वन पॉजिटिव है, या आपके पास भाई बेरिलियम थ्री पॉजिटिव है, या आपके पास लिथियम टू पॉजिटिव है, तो उनमें तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, और वो कहाँ पर होता है सभी के एन वन में, और वो आपने रिमूव करना है। और रिमूव करने का मतलब क्या है कि आप उसको एक तरह से एन वन से उसको कहाँ भेजने लग रहे हो भाई, एन इनफाइनाइट के अंदर। तो आयनाइजेशन को आप एक तरह से ट्रांजिशन की तरह कंसिडर कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन को आपने प्रमोट करना है एन वन से एन इनफाइनाइट में। ठीक है, तो आप आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यानी कि अगर आयनाइजेशन क्या है एन वन से एन इनफाइनाइट में प्रमोशन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ई इनफाइनाइट माइनस ई वन। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए भाई क्या हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की एनर्जी, ई इनफाइनाइट माइनस ई वन। ठीक है, अब आप ये बताएं ई एन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था ना भाई, अगर हम एन की वैल्यू यहाँ पर भाई क्या पुट करते हैं, इनफाइनाइट पुट करते हैं ई इनफाइनाइट के लिए किसी बोहर सिस्टम के लिए, तो एन की वैल्यू आप इनफाइनाइट पुट करें तो माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, बताओ क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा ना भाई। तो ई इनफाइनाइट हमेशा ही क्या होती है, जीरो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आप निकालें ई वन, अब ई वन में आपने एन क्या पुट करना पड़ेगा, वन, तो माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई वन, तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये बताएं ई इनफाइनाइट क्या है आपके पास, जीरो, और ई वन क्या आती है, माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई अब ई वन की वैल्यू भी और ई इनफाइनाइट की वैल्यू भी कहाँ पुट कर दें आप, इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो ई इनफाइनाइट मैंने क्या पुट कर दिया, जीरो, माइनस माइनस, और ई वन को मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये कैंसिल। तो आप ये बताएं आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है भाई, तो हमारे पास जो बोहर सिस्टम्स हैं उनके लिए हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 13.6 जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी बोहर सिस्टम में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दें, उसके न्यूक्लियर चार्ज के स्क्वेयर से, तो आपके पास क्या जाएगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ओके, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया आपके पास अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हों, अगर आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हों तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए अलग तरीके, दूसरे तरीके होते हैं और मेथड्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर और भी कई फिनोमेना होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रॉन के आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिसाइड करने में, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन था और उसके ऊपर भाई न्यूक्लियस का जितना भी न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सारे का सारा उसको भाई अपनी तरफ खींचता होता है। लेकिन भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के अंदर जो इनर शेल होती हैं, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पहले जो भाई आउटर इलेक्ट्रॉन से जो पहले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड भी तो कर लेते हैं भाई, तो वहाँ पर काफ़ी सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, तो उनकी एनर्जी एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दूसरे मेथड्स होते हैं, आपको और टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। लेकिन एक फौरी आइडिया, हालांकि एक्यूरेट नहीं है लेकिन फिर भी जो लोअर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं जिनका भी एटॉमिक नंबर काफ़ी कम होता है, मतलब 10-12 तक होता है, उनमें आप फिर भी भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल आप कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर आपने क्या करना है, क्योंकि भाई यहाँ पर पहली बात तो क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो ज़रूरी नहीं कि ई वन में होएगा, वो मान लिया किसी एनथ ऑर्बिट में है, भाई आप खुद सोचें कि बोहर सिस्टम में तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पर होएगा, एन वन में। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि भाई आप लिथियम की क्या निकाल लें आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है भाई, पहले ऑर्बिट में दो, दूसरे में फिर क्या होता है एक, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ से निकालना पड़ेगा, एन वन से नहीं एन टू से निकालना पड़ेगा, अब समझे मेरी बात। तो आपने भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आपने एन वन से एन इनफाइनाइट प्रमोट नहीं करना है, यहाँ पर आपने उसको एन टू से कहाँ प्रमोट करना है, एन
इनफाइनाइट में। सिमिलरली अगर आप भाई क्या बोलते हैं, मान लिया आप सोडियम का जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, आप बोहर एटॉमिक मॉडल है जो, उसके थ्रू आप सोडियम एटम की आप क्या निकालना चाहो, सोडियम एटम बोला है मैंने भाई, जिसके अंदर क्या होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो 11वां इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन आपको आपको निकालना पड़ेगा भाई, वो कहाँ से निकालना आपने, क्या बोलते हैं N3 से, तो आपने यहाँ पर भाई N पुट करना है। तो भाई ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि जो बाकी सिस्टम, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो वो N1 से नहीं निकालना पड़ेगा। अगर हम हीलियम एटम को छोड़ देते हैं तो बाकी सब में, तो आपको भाई क्या बोलते हैं, सोडियम में आपको भाई 3 से और लिथियम में आपको भाई 2 से, तो यहाँ पर आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, E इनफाइनाइट माइनस E1, और यहाँ पर EN क्या है कि जहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, ठीक है, इज इक्वल टू, अब E इनफाइनाइट क्या होती है 0 माइनस, अब EN क्या होती है -13.6, और Z को आपने किससे रिप्लेस कर देना है, Z इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N स्क्वायर। ये मैंने Z इफेक्टिव यूज़ क्यों किया है, क्योंकि मान लिया आप सोडियम की आप क्या निकाल रहे हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आप सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हो, जो कि आए तो गलत गई, क्योंकि भाई इसके ऊपर फिर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सोडियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, कि आप इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, पहले ऑर्बिट में क्या है 2, दूसरे में क्या है 8, और तीसरे में इलेक्ट्रॉन आपका भाई जो आपको निकालना है, ठीक है, आपने एन यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, 3 आपने पुट करना पड़ेगा। और जेड की बजाय मैंने जेड इफेक्टिव क्यों लिखा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड ऑर्बिट में है, क्या उसको पहला और दूसरा ऑर्बिट है जो, उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सॉरी मतलब यहाँ पर हालांकि हमको डेंसिटी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि भाई हम बात कर रहे हैं बोर मॉडल की, ठीक है, लेकिन बात यह कि भाई जो इलेक्ट्रॉन अंदर है N1 में और N2 में, क्या वो उसको शील्ड नहीं करेंगे, और उसको शील्ड करने की वजह से, आउटर इलेक्ट्रॉन को भाई शील्ड करने की वजह से, क्या उसको जो सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज होता है 11, उसको 11 का 11 एक्सपीरियंस होएगा, या उसको वो कम एक्सपीरियंस नहीं होएगा। तो आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, और जेड इफेक्टिव यहाँ पर क्या होता है, जेड माइनस एस, एस यहाँ पर क्या है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, या आपको जब पढ़ाएंगे ना सेलेक्टर रूल, तो आपने पढ़ा हो ना सेलेक्टर रूल क्या होता है, कि एक क्या होता है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये आप ये देखते हो भाई कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो कितना शील्ड कर लेते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो वो आपका भाई एक स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट होगा, जिसको आप जब माइनस करते हो एटॉमिक नंबर में से, न्यूक्लियर चार्ज में से, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। तो आपने यहाँ पर भाई पहली बात तो आपने भाई आपने देखना है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको कितना न्यूक्लियर चार्ज उसको एक्सपीरियंस होता है, उसको 11 से कम एक्सपीरियंस होएगा, तो वो आपने पुट करना है जेड इफेक्टिव बाई एन स्क्वेयर, समझे बात। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। तो ऐसे सिस्टम्स के लिए, जो भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं, उनके लिए बताओ भाई ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर बताओ क्या हो जाएगी, 13.6 जेड इफेक्टिव स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी एक तो आपने वो ऑर्बिट का नंबर पुट करना है जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और जिस ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव लगने लग रहा है वो आपने पुट करना है, न कि टोटल न्यूक्लियर चार्ज, ओके। तो भाई ऐसे आपका ये आ जाएगा। अब हम एक बार इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये हैं क्वेश्चंस आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर। तो आप ये देखें, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर इक्वेशन। तो आप ये बताएं भाई कि हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या आएगा बोहर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। चार ऑप्शन है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, तो पहले आप मुझे बताएं, मैंने आपको बताया था कि बोहर सिस्टम से, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, उनके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 13.6 जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होगा, 1 होगा, तो भाई आप जेड यहाँ 1 पुट करो, तो बताओ आपके पास क्या आएगा, 13.6 इंटू 1 का स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या था आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है पार्ट सी में 4 नंबर में, ओके। इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स, ये कहता है कि अगर हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है एक्स, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम एटम नहीं, लिथियम 2 पॉजिटिव इज, तो क्या होएगी। तो आप ये बताएं कि अगर हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी एक्स है तो लिथियम 2 पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होएगी, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे कि लिथियम 2 पॉजिटिव से लिथियम 3 पॉजिटिव बनाने में कितना एफर्ट लगेगा,
ठीक है, वही चार ऑप्शन है, 1x, 3x, 9x और 27x। ये क्वेश्चन भी आपका नेट में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपने करना क्या है कि आप ये बताएं कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना भाई, ये मैंने आपको बताया था। अब आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप क्या मान ले, ई नॉट, एक कॉन्स्टेंट मान ले भाई, ठीक है। तो ई नॉट जेड स्क्वेयर। अब आप ये बताएं कि हाइड्रोजन के लिए फिर भाई ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू 1 तो ई नॉट, और लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू बताओ क्या बन जाएगी भाई, ई नॉट इंटू 3 का स्क्वेयर, बताओ क्या था आपके पास, 9 ई नॉट। तो लिथियम 2 पॉजिटिव का आयनाइजेशन पोटेंशियल ई नॉट के टर्म में क्या हो जाएगा, 9 ई नॉट, और ई नॉट के टर्म्स में हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ई नॉट। अब आपको निकालना क्या है, लिथियम 2 पॉजिटिव का, लेकिन ये तो आपको भाई तो ई नॉट के टर्म्स में आया है, एक्स की टर्म्स में तो हम कौन सा निकालना है। तो आप एक काम करें, आपके पास एक टर्म्स में अगर आपके पास ई नॉट के टर्म्स में आंसर आ चुका है तो एक्स के टर्म्स में आंसर निकालना बहुत आसान है भाई। आपके पास जो ई नॉट वाली इक्वेशंस हैं उनको आप डिवाइड करो, तो लिथियम 2 पॉजिटिव की आयनाइजेशन पोटेंशियल को आप डिवाइड करें हाइड्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल से, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो क्या हो जाएगा, 9 ई नॉट बाई ई नॉट, तो रेशियो क्या है आपके पास, 9 आया ना भाई, इजंट इट। अब आप एक काम करें, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल को उस साइड फेंक दें, दूसरी साइड फेंक दें भाई, तो लिथियम 2 पॉजिटिव की आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या आ जाएगी भाई, 9 इंटू आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, x पुट कर दें आप यहाँ पर, तो अपने आप खुद देखें भाई लिथियम 2 पॉजिटिव का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या बन जाता आपके पास, 9x। मेरे ख्याल से आपको भाई बात समझ में आने लग रही है। चलो भाई इसके ऊपर हम एक बारी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ओके, दो टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पर हम और भी सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई अब आप ये देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अज्यूमिंग दैट द बोहर इक्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँ सिविल्स में आया हुआ था एक बारी, सिविल्स का जो प्री होता था, ठीक है। हालांकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के ऊपर भाई बोहर इक्वेशन वैलिड नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या बोलता है ये कि मान लें कि बोहर इक्वेशन एप्लीकेबल है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के ऊपर भी, ओके। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम एटम विल बी, यानी कि अब आपसे क्या पूछता है कि लिथियम से लिथियम 2 पॉजिटिव बनाने में कितनी एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे भाई, तो अब आप ये बताएं कि मैंने आपको बताया था ना कि आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर अदर एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के अलावा जो भाई एटम्स हैं जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनमें आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर्मूला तो क्या था हमारे पास, ये आया था 13.6 Z इफेक्टिव स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था ना हमारे पास। आपसे पूछी क्या है, लिथियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो लिथियम का Z3 होता है, लिथियम एटम में आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है, 1.7221, तो 3 - 1.721 कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है N2 में, ठीक है। तो फिर भाई फॉर्मूले में यहाँ पर तो आपने क्या पुट करना पड़ेगा, Z - S का स्क्वेयर, तो Z3 है, S कितना है भाई, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट क्या, 1.72, इनका डिफरेंस क्या होएगा, 1.279 का स्क्वेयर, ये तो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसका स्क्वेयर करें, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपने 1 का स्क्वेयर नहीं करना, मैंने आपको बताया था भाई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप पहले बोर ऑर्बिट से एलिमिनेट नहीं करने लग रहे, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर रहे हैं सेकेंड बोर ऑर्बिट से, तो आपने यहाँ पर 2 का स्क्वेयर पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आता है, 5.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब आप ये देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होएगा, अब ये कहता है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहता है कि भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम का कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी ग्राउंड स्टेट में, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भाई, अपने पहले ऑर्बिट के अंदर, ओके। और आपसे अगर कोई ये पूछ ले भाई कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में ही इलेक्ट्रॉन अगर हमने कहाँ पहुँचा रखा है, 4th ऑर्बिट में, और उसी से इसको निकालने का तरीका आप बताएं, ठीक है, तो आपने भाई क्या करना पड़ेगा, आपने तो 0 - -13.6 Z² / N² तो आपने जेड भी पुट करना है और आपने भाई एन की वैल्यू पुट करनी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आपने जेड इफेक्टिव की बजाय आपने जेड ही यूज़ कर लेना सिंपली, ओके। खैर यहाँ पर तो भाई इसने ग्राउंड स्टेट ही बोला है, ठीक है। तो आप ये बताएं भाई
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम वन पॉजिटिव इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी इसने आपको बताया क्या है हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन पोटेंशियल, और आपसे पूछ क्या ली भाई ग्राउंड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली आपसे हीलियम वन पॉजिटिव की। तो पहले आप एक काम करें, आप हाइड्रोजन की ही क्या निकाल लें पोटेंशियल एनर्जी। अब आप मुझे पहले ये बताएं भाई कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है उसके नेगेटिव के बराबर होता है, मैंने आपको बताया था ना। यानी अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का नेगेटिव कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी, इजंट इट। तो E1H बताओ क्या होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, हमको पता है। और ये आपको भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का दो गुना होती है। तो हाइड्रोजन की बताओ भाई आप पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या आ जाएगी, तो 2 × −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ क्या आती है आपके पास ये −27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास क्या जाएगी। तो आपके पास हाइड्रोजन की क्या आ गई टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, और ये आपके पास बताओ क्या है हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट के अंदर। अब हीलियम वन पॉजिटिव की टोटल एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे 13.6 जेड स्क्वायर बाय स्क्वायर होता है भाई। तो जेड आपने बताओ क्या पुट किया 2 पुट किया हीलियम 2 वन पॉजिटिव के लिए भाई, एन आपने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया आपके पास भाई −54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है भाई जैसे अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी टोटल, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते क्या आ गई थी आपके पास ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी। तो सिमिलरली अगर आपके पास हीलियम की क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते आपके पास क्या जाएगी हीलियम वन पॉजिटिव के अंदर भाई, सॉरी ये हीलियम वन पॉजिटिव भी भाई यहाँ पर लिखना होगा ठीक है, हीलियम वन पॉजिटिव की ग्राउंड स्टेट के अंदर आपके पास क्या जाएगी भाई पोटेंशियल एनर्जी। तो −54.4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास ये भाई, ये आ जाएगा −108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया ना आपको ये, वेरी गुड।